अच्छा क्या कहेंगे, आज आपने पुष्पांजलि अर्पित की है बाबा साहब के सरसठ में जन्मदिन के अवसर पर, आपने पूरा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए, आपने कैसे ये सारा अरेंजमेंट किया, और आज आपने जो 6 तारीख को प्रणय दिवस मनाया जाता है लेकिन आज आपने 10 तारीख को मनाया, इसका क्या रीजन रहा? रीजन यही है कि 6 तारीख को वर्किंग डे होता है और हमारे जो लोग हैं रोजी रोटी से जूझ रहे होते हैं, छुट्टी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने इसको संडे का दिन रखा है। और हमारे साथी हमारे साथ लगे हैं, माननीय विजेंद्र सिंह करदम हैं, राजपाल सिंह ठेकेदार हैं और मदनलाल राज है, ये 2-3 साथी हमारे साथ लगे रहे और हमने मेहनत करके इस काम प्रोग्राम को रखा। जब आपने ये प्रोग्राम अरेंजमेंट किया था तब आपने सोचा था कि इतनी भारी तादाद में प्रोग्राम सफल होगा, लोग पुष्पांजलि चढ़ाने के लिए बाबा साहब के चरणों में लोगों का तांता लग रहा है, महिलाएं भी इतनी सारी संख्या में आई, जो कि महिलाएं को घर से निकलना बहुत जरूरी है, पुरुष तो किसी भी कार्यक्रम में चले जाते हैं लेकिन महिलाएं इस प्रोग्राम में आपके वादे में जो आई उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मन में तो शंका थी ये लोग शायद ना पाए, लेकिन हमारे साथियों ने हमने जो मेहनत करी और फिर आज छुट्टी का भी दिन भी था और ये महिलाएं थी, जागरूक महिलाएं थी, ये हम धम्म यात्रा लेके जाते हैं, 19वीं यात्रा हमारी 1 जनवरी को जाएगी बौद्ध सेक्टर के अंदर, तो ये जो लोग थे जो यात्रा में भी जाते रहे और बुद्धिस्ट माइंड की भी। देखो सर, ये हजारों साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था है और माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि भाई मैं काम करूँगा तो होगा, तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए हमने काम किया माननीय काशीराम साहब के साथ, तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए हम लगे रहते हैं कि भाई मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए जब तक जिंदगी है। महाराज जी, जैसे कि आपने आज जो कार्यक्रम किया इसमें महिलाएं आई, पुरुष आए, बच्चे भी आए इसमें, जिस तरीके से बच्चे ने यहाँ पे अपनी भागीदारी की, क्योंकि जब बच्चे जो आज आप सिखाएंगे बच्चों को वही आगे भविष्य का निर्माण करते हैं, तो बाबा साहब के प्रति आप यहाँ पे जो बच्चों में जो सीख को मिली, जो यहाँ पे आए हुए वक्ताओं ने बहुत सादगी के साथ बड़े बहुत लचीले या बहुत साधारण शब्दों में लोगों को समझाने की कोशिश की, तो कितना बच्चों के मन में बाबा साहब के प्रति प्रभाव पड़ा होगा? देखिए ऐसा है कि हम कब तक चलेंगे, साल 2 साल आजकल पता नहीं कब किसको चले जाए, और इसीलिए हमने आज यंग बच्चों को मौका दिया बोलने के लिए, बेटे सीखो हमारे बाद आपको करना है, तो इसलिए हमने बोला था कि बच्चों को भी लेकर आए, और बच्चे आए भी और हमने उनको बुलवाया भी, उनको तैयार भी किया, ट्रेन भी कर रहे हैं कि आप तैयार हो जाओ हमारे बाद आपको इस कारवा को संभालना है। तो गुजरात के अंदर एक संकल्प भूमि है, ये बाबा साहब का अपमान हुआ उनके दफ्तर के अंदर, और वो उस जगह पे आके रेलवे स्टेशन के पास आके वो एक पेड़ के नीचे बैठ के रोए कि जब मेरे साथ इतना दुख और अपमान हो रहा है तो मेरे समाज का कितना बड़ा अपमान हुआ, तो उन्होंने भी संकल्प लिया था कि मैं अब नौकरी नहीं करूँगा और समाज के लिए संघर्ष करूँगा। इसी तरह जो सन 2000 में हम पहली यात्रा में गए थे बौद्ध गया, तो हमारे साथ जो बनते ज्ञान रतन माथेरा जी थे वो गए थे, तो बौद्ध गया में जो महाबोधि टेम्पल है उसके पीछे जो महाबोधि वृक्ष है जो कि कहते हैं 2700 साल पुरानी उसकी जड़ें हैं, तो उसके नीचे बैठ के वहाँ पर बंती जी ने कहा था कि यहाँ पर आप संकल्प लीजिए, कोई बीड़ी पीता तो बीड़ी छोड़ने का संकल्प लें, कोई दारू पीता तो दारू छोड़ने का संकल्प लें, और जो कोई गलत काम करता उसको छोड़ने का वहाँ संकल्प लें। तो सन 2000 के अंदर वहाँ महाबोधि वृक्ष के नीचे हमने भी संकल्प लिया था कि हम जब तक जीवित रहेंगे लोगों को यहाँ पर दर्शन कराते रहेंगे और यहाँ पर यात्राएं लाते रहेंगे। मैं हमारे साथ जो यात्रा में जाते हैं तो 2-4 परिवार तो ऐसे हैं जो हर बार जाते हैं, हर साल जाते हैं, और वही हमको कहते हैं भाई चलो यात्रा पे चलना है, और हम उनको लेके जाते हैं तो और प्रयास करते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमारे साथी लोगों से मिलते हैं, कहते हैं जाओ यात्रा पे चलो, इधर उधर की यात्रा ना करने में जाओ, अपनी धम्म यात्रा कर जाओ, अपने इतिहास को पहचानो, अपने जो जहाँ पर सारा सम्राट अशोक का इतिहास मिलता है, और वहाँ जाते हैं लोग खुश होते हैं, और जब आते हैं रास्ते में तो आखिरी दिन जब आते हैं तो वो यही कहते हैं कि धन्य सेवादास जी आपने हमें ये दर्शन कराए, हम तो जिंदगी में आ ही नहीं पाते, आपने प्रेरित किया हमें चलने के लिए तो हम आए। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, जो आज आपने भव्य जो कार्यक्रम किया और जो सफल रहा, जो पुष्पांजलि का समारोह था आपकी तरफ से वो सफल रहा, इसके लिए आप कितने गदगद हैं, और जो जो यहाँ पे आए और जो वक्ता आए आप उनके लिए क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे?
देखिए ये प्रोग्राम जो रखा गया, पहले तो हमारे जो टीम वर्क है, हमारे विजेंद्र करदम जी हैं, मास्टर मदनलाल राज जी हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है मेरे साथ में। और ये प्रोग्राम रखा इसलिए जाता है कि जो जागरूक लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं वो उनकी जागरूकता निरंतर बनी रहे, और जो जागरूक नहीं है वो जागरूक हो जाए, इसलिए प्रोग्राम को रखा। हमारा जो 6 दिसंबर का दिन था, वहाँ पर लोग पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर ही बहुत ज़्यादा अधिक कार्यक्रम होते हैं और लोग काफ़ी लोग जो है डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि इससे कुछ अलग हटके करें, तो हमने इसलिए छुट्टी का दिन रखा 10 दिसंबर की छुट्टी का दिन है। हमारे लोग गरीब लोग हैं, तबके मजदूर, झाड़ी करने वाले हैं, उनका काम भी ना छूटे और हमारा जो मिशन का काम है वो भी आगे सुचारू रूप से चलता रहे। इस वजह से हमने थोड़ी 1 महीने पहले ही जो है इस बात के लिए तैयारी चालू कर दी थी, और हमें लगा कि हम वास्तव में अपने इस मिशन के अंदर बहुत अच्छी तरह सफल हुए, और हमें बड़ा अच्छा लगा जिन लोगों ने हमें दान भी दिया और अपना श्रम दान भी दिया, और उसके आने के बाद हमारा इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और महिलाएं और बच्चे इतनी तादाद में देखा आपने कितने लोग थे, और वो भी बड़े बड़े यहाँ खुश होकर गए, और हमें भी उनके आने पर बड़ी अति प्रसन्नता हुई है। मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो हमारी बहुजन समाज पार्टी ये एक माध्यम है उस आंदोलन को गति देने के लिए जो हमारे महापुरुषों ने आंदोलन को चलाया, और रही सीट ना निकल पाई। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमारे MP बने, MLA बने और काउंसलर बने, या सत्ता हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है, बहुजन समाज पार्टी का मकसद है, देश में सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक मुक्ति, आर्थिक शोषण से मुक्ति मिले और सामाजिक में भाईचारा पैदा हो। तो एक आंदोलन है, और इस आंदोलन में अभी और भी समय लग सकता है, ये चलता रहेगा। हमारी सीटें निकलें चाहे ना निकलें, लेकिन बहुजनों का जो आंदोलन है ये हमेशा चलता रहेगा। अभी सर 100 साल भी नहीं हुए देश को आज़ाद हुए, हमारे लोगों में इतने टुकड़े टुकड़े हो गए, और वहीं पर BJP या कांग्रेस या मनु आदि पार्टियाँ मजबूत हो और हम पे हावी है, आज़ादी में भी हम पे हम गुलामी बना महसूस होता है। देखिए इस देश में जब तक ये EVM रहेगा तब तक बहुजन समाज का ये नुकसान होता रहेगा। ये EVM मशीन जिस दिन हट जाएंगी सबको सब अपनी अपनी औकात पता लग जाएगी कि 85 पे 15 जो राज कर रहे हैं वो केवल इस टाइम EVM मशीन से भारी पड़ रहे हैं। देखिए बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हर विधानसभा में, हर लोकसभा में, हर प्रदेश में, गली गली में कैडर लगा रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जो मनुवादी मीडिया को हमारा काम नजर नहीं आता है, ना ही वो दिखाते हैं। EVM का आरोप लगा रहे हैं, इसके खिलाफ में कोई आंदोलन करने वाले हैं सड़कों पे, या अभी इससे जंग लड़ेंगे, अभी भी इस EVM से ही 2024 चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए EVM पे आंदोलन करना चाहिए, जो बैकवर्ड की पार्टियां हैं, जो लालू है, ये नीतीश है और अखिलेश है, इन लोगों को आगे आना चाहिए। सबसे ज्यादा तो इन्हीं का नुकसान हो रहा है, बाबा साहब के संविधान के कारण जो दलित समाज को थोड़े हाथ पर अधिकार तो मिले, लेकिन इनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इनको करना चाहिए। 52% लोग हैं आज जो थोड़ा बहुत संघर्ष कर रहा है EVM के खिलाफ या मनुवादियों से, ये अपना दलित समाज ही कर रहा है। 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाने के सपने देख रहे हैं? अगर EVM मशीनें हट गई तो कोई भी बन सकता है। और ये जो अभी हाल ही में कल की बात है, दानिश अली जी को BSP से पार्टी से निकाला गया, और जैसे समाज जागरूक हो रहा है तो सबकी ये डिमांड थी कि दलित मुस्लिम एक साथ हो, लेकिन मायावती जी ने लगातार मुसलमानों के साथ घात कर रहे हैं और मुसलमानों को पार्टी से निकाल रहे हैं, इस पे आपका कहें? ऐसा नहीं है, ये मनुवादी मीडिया है, ये बहकाता है। मुसलमान भी काफी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा है। हाँ ये बात अलग है, जो अनुशासनहीनता करेगा तो वो तो पार्टी से बाहर जाएगा। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।